बात कर रहे हैं चले। मैम यासमीन भुट्टा जी, यस सलाम मैम, वालेकुम सलाम। मैम, बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत मुबारक, तुसी पास होए हो। हाँ और जी सर, यकीनन बहुत तानू देख के शुक्रिया। बहुत सारी लेडीज भी इंशाल्लाह उन्हां दा भी हिम्मत हौसला बनेगा। हाँ जी बिल्कुल, इंशाल्लाह सब जरूर। मुबारक सुनाओ। सिस्टर जी, बहुत बहुत तुहानू हाँ खैर शुक्रिया, मुबारक जी। विश कर रही हैं, तुसी पास होए हो। अच्छा जी यासमीन जी सुनाओ। हाँ तानू पता है, औखा लगा सौखा लगा? नहीं सर जी, सौखा ही लगा था जी। अच्छा जी मन, मैं पहले दो तीन दिन ट्राई की थी, क्लास लाई थी, कोई नहीं मुश्किल लगा। फिर ठीक है, मैं शुरू कर दिया, बहुत मजा आता सी पढ़ने का। स्टार्ट जी ही दिल लग हाँ गया। ठीक है, जी। अच्छा रूटीन ठीक बन गई, घर के मामलात विच पढ़ाई दी टाइमिंग बन गई इजीली? हाँ जी सर जी, पहले 2 दिन से मैं पौने 8 ना इस टाइम क्लास लेनी सा, लेकिन उस टाइम टाइमिंग नहीं सी बनती है। फिर सुबह ना 10:30 बजे, फिर ठीक। उस टाइम वो फिक्स हो गया, फिर उस टाइम ना क्लास लेनी सा। अच्छा तानू की लगता है मैम, वही लेडीज पतेंते शुरू ना करन चो ना नू की डर हो सकता है? मुश्किल थे, कोई नहीं होंगे हाँ, बच्चे स्कूल होंगे ने थे, कोई हाँ ये प्रॉब्लम तो नहीं होंगी, लेकिन डील होना चाहिए करने दाम। हाँ, ते जुबान दे बारे तुसी की कहोगे? तो तुसा शुरू कीता शायद इस करके कि तानू कोई जुबान इटालियन अच्छी आंदी सी या किस तरह? जी नहीं नहीं सर जी, मुझे तो कुछ भी नहीं सर आंदा है, चाहो तो सवाल। हाँ अच्छा इटालियन नहीं जी सिखाती? जी बिल्कुल, ये तक भी नहीं आंदी है मुझे तो, कोई लफ्ज नहीं आंदा, बोलना नहीं आंदा। मैं पता है लेकिन बोलना नहीं आंदा ना। अच्छा जी यासमीन जी कह रहे ने कि मन ते चाओ दा मान ही नहीं सी आंदा, लेकिन फिर भी तुसा हाँ जुरत किंज कर ली? पतेंते ते बहुत बड़ी किताब है जी। जी, मेरे हस्बैंड ने कहा सी, क्यों कहते रहे कि कार तो ना, हाँ ते मैं कहा चलो ट्राई कर लेने, अगर मुश्किल ना लगा तो फिर चेक कितने, मैं 2 3 दिन ट्राई लगियां तो फिर कोई नहीं, मुश्किल नहीं सी है, तो अच्छा मैं शुरू कर गुड दिता, फिर बहुत मजा आंदा सी ना पढ़ने दा। हाँ जी, उन्हों का बहुत जी शुक्रिया। अच्छा ते दिल लगा रहा और हाँ दिन जी ब दिन तुसी अगे चलते रहे। टोटल टाइम कितना दें दे सी क्लास प्लस फिर बाद च रिविजन करना, की आइडिया है पूरे दिन च कितना के घंटे पढ़ते सी? सर जी, कोई खास नहीं है, पहले क्लास लेनी सा, बाद विच जिस तरह तुसी कहंदे सा मतलब करना है पेज वाइज, ते इस तरह करके ते एक दफा करके बस, फिर एक डोज केदा अच्छा कर लेना। फिर एंड वाले दिन च ज्यादा कीते ने, मतलब 1 महीना 2 महीने मतलब रह गए ने जी, दो पूरे इम्तिहान होपफुल च। साओ, बिल्कुल पूरी उम्मीद साओ शुरू कर दिया कि मैं कर जाना है या एनजीसी के पता नहीं की बनता है? जी पहले तो है जी, थोड़ा हुंदा ते आवे। अच्छा शोर नहीं हाँ सी जी हाँ ठीक जी, शोर नहीं सी है, ते है। फिर एंड ते तकरीबन हो गया सी कन्फर्म, लेकिन हुन निकल जावा दे। कितने टाइम बाद तुसी पास होना शुरू हो गए जी? कितने महीने पास सर जी बाद? एक 4 महीने 5 महीने लगे थे मन्नू ना, क्लास लगी चलो 5 महीने, पांच ठीक एक है, ही डेली क्लास लेनी सा, ज्यादा नहीं लिया है ना मैं, एक ही क्लास रोजाना दी एक क्लास लंदे सी। तनु जी। लगता है हाँ इटालियन च कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है होने या सेम ही है? बोलन च ते मेरे ख्याल है कुछ, बोलन च भी फर्क पे कि नहीं नहीं सर जी, ये तो कोई नहीं गया, मैंने बोलते? पता है वे चीज आंदा, लेकिन कोई मतलब कोई बोले कुछ समझ आ जाती, खुद नहीं बोलना आंदा ना खुद नहीं लेकिन पढ़े जी। पढ़ाई दे विच फर्क पै गया है ना? हाँ जी बिल्कुल अच्छा बच्चों नूं हुण ते सबक भी दे लंदे होणे माड़ा जिहा। जी। वेरी गुड मैम, तुहाडा कितना खर्चा टोटल आ गया है सारे साड़ी फीसिस नूं अलहदा छड़ के? आटो स्कूले डायरेक्ट हाँ कीता जी या डायरेक्ट बस जी दस्सियो ने? हाँ जी, ऑटो स्किल है सर जी आटो स्कूले उन्होंने कितनी फीस ली जी पूरी? सर जी, उन्होंने सारा टोटल ना मतलब 850 कहते तन पे हो गया ना 850 फिलहाल खर्चा आ गया जी जी प्यूरी दा इना जी दा, ते साड़ी फीस तो मिला के 350-350 हाँ जी हाँ जी स्टूडेंट्स लेडीज भी देखतियां सुनदियां ने पिया, तकरीबन 850 इना दा थ्यूरी दा खर्चा आ गया और तकरीबन 400 होर आ जाने, 400-500 है ना, 8-5 हाँ जी 12-1300 खर्चे च हो ही जाता है पतेंते। अच्छा जी चलो जी वेरी गुड, रूटीन अच्छी बन गई। अच्छा मेन चीज के दिल लग जाता सी पढ़ाई तुहाडा? हाँ जी सर जी, लग जाता सी अच्छा लगता सी ठीक हाँ है। जी। उत्थे दे हालात दे बारे थोड़ा दसोगे? डर है सी जारे लेडीज नु, फिर वो थोड़ा जा ज्यादा होंदा है जदों उधर के अपना इम्तिहान देन। हाँ जी सर जी ऐसे, लेकिन वो स्कूल आटो स्कूल वाले टीचर सी, उन्हें दस्या सारा कुछ मतलब ऐसा इस तरह करना वे, ते हाँ जी ते अंदर गए जदों, ते उन्होंने टीचर जेडी कमरे भी सी कहती मतलब तुहानू कोई मतलब सर्दी है बुखार या खांसी वगैरह तो नहीं हुई, या 14 दिन तो मतलब क्योंकि सफर तो नहीं किया है,
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟ ਸਕੂਲ ਵਾਲੀ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੇ ਮਤਲਬ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪੇਪਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਵੇ ਪੇਪਰ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟੀਚਰ ਆਰਟ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਬਰਾਵੋ ਹੈ ਤੇ ਅੱਛਾ ਦੇ ਲੈ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਮੋਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਣ ਚ ਮਸਲਾ ਆਂਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਪੇਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਾਲਜ ਕਾਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਇੰਜ਼ਾਮ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਜੀ ਕੈਸਾ ਆਇਆ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਪਸੀਨੇ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਸੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਸੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਨ ਥੋੜੇ ਨਾ ਡੇਢ ਕੁ ਲਾਈਨ ਦੇ ਜਾਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਸੀ ਛੋਟੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਇਸ ਵਕਤ ਛੋਟੇ ਉੱਠੇ ਇਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਸ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਸਨ ਥੋੜਾ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਜਾਣ ਗਲਤ ਨਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਗਲਤੀਆਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਜੀ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੁੱਤੀ ਨਿਕਲੀ ਨਾ ਜਾਏ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹਾਂਜੀ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਕੇ ਪਤੈਨ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਐਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਤਿੰਨ ਮਾਸ਼ਾ ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਤਲਬ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਡੈਮੋ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਬਸ ਫਿਰ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਬਗੈਰ ਟ੍ਰਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਾਡੇ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡੈਮੋ ਕਲਾਸਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਲਈਆਂ ਨਾ ਯੂਟਿਊਬ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਬਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਉਹ ਕਲਾਸ ਲਈ ਸੀ ਫਿਰ ਠੀਕ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਮੁਤਮੈਨ ਰੇ ਸਟਾਫ ਠੀਕ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ ਨੇ ਜਿਸ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਯੂਰਪ ਚਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਫਰ ਆਇਆ ਇਟਲੀ ਆ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਐਸੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣ ਜਾਾਂਗੀ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹਰਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਾਰਗੇਟ ਆਇਆ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਾਈ ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਡਰਦੀਆਂ ਪਤੈਨ ਤੇ ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਦਾ ਵੀ ਚਲਾਣੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਹੈ ਚਲਾਣੇ ਦਾ ਕੱਲ ਨਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮੇਰੇ ਟ੍ਰਾਈ ਤੇ ਕਲਾਈ ਦੱਸ ਦੇ ਸਨ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਐਨ ਕਰਨਾ ਐਨ ਕਰਨਾ ਵੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦੇ ਸਨ ਪੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਾ ਯਸਮੀਨ ਜੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲਣੀ ਕਿਰੇ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿਆਂ ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹਾਂ ਫਿਰ ਜੀ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਇਸ ਅੱਜ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨੂ ਵੀ ਐਸੀ ਡਰ ਹਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਗੇਅਰ ਬਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਡੀ ਤੇ ਬਸ ਚੱਲ ਪਓ ਤੇ ਸਲੋ ਜੀ ਸਪੀਡ ਰੱਖੋ ਡਰਿਆ ਨਾ ਕਰੋ ਬਾਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਹ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਯਸਮੀਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਸਟਡੀ ਆਫੇ ਕੀਤਾ ਵੇ ਹਾਂ ਸਟਡੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਾਈਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਭੀ ਹਮ ਪਤਾ ਕਰਤੇ ਹੈ ਇਹ ਲਾਇਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਆ अच्छा जी अच्छा मैम यास्मीन पुट्टा जी पास हो गई हैं और स्टूडेंट बता रहे हैं कि ये बड़ी लाइक स्टूडेंट है माशाल्लाह हमारी चले इनसे थोड़ा इम्तिहान श्तिहान लेते हैं कोई बात नहीं हाँ जी ए पेपर आ गया जी चले जी यास्मीन जी थोड़े हमें सवाल शवाल हल कराएं स्टूडेंट्स भी आए हुए हैं स्टूडेंट्स आपका बहुत शुक्रिया बैठते हैं थोड़ी रौनक शौनक लगती है हम भी हल करेंगे मिलजुल के Il conducente che intende immettersi nel flusso della circolazione deve assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada. Il conducente che intende immettersi nel flusso della circolazione deve assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada. Sì, è vero. Vero che è di student, ti che sia hai in un'e? ਅੱਛਾ ਚਲੇ ਜੀ ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ
इंतराल चो क्या होंदा रुकावट रुकावट है कोंदुचेंते एंड ड्राइवर असी कुरारसी दा दसो फिर मैं आपको मनता मतलब सर ये चेक करना भाई वाकई गम देने पैण और के वाह 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 अब मैं वाकई को खास सवाल ढूंढता हूं मैडम वाकई लगता है मैंने की हुई है चले थ्री नंबर Il segnale raffigurato preannuncia un attraversamento ferroviario munito di barriere o semibarriere. Il segnale raffigurato preannuncia un attraversamento ferroviario munito di barriere o semibarriere. Sì. Però, sir, di. Sual number one al crae. Il segnale raffigurato si può trovare all'inizio di una strada comunale. Comunale. Sì, vero, è vero che è di abai. Student, vero il sual? Sì, vero è. अच्छा जी जी मीनिंग करो है सवाल दा अपने अंदाजे नाल सिग्नल कह रहा है कि थानू शुरू हो गया स्ट्रादा कम्युनल कम्युने वाले मतलब जो सड़क कम स्टार्ट हो गया अच्छा ये कम्युने वाली रोड मसलन आबादी दे विच या आबादी तो बाहर है या किस तरह कोई भी स्टूडेंट दा सकदा है आबादी दे विच ही हुंदी आबादी दे विच ही कम्युना हुंदा बाहर वाइट तख्तियां ने अच्छा यस्मीन जी ब्लू तख्तियां किस रोड ते मिलदियां ने सर जी एक्स्ट्रा अर्बन है एक्स्ट्रा उर्बाने और ग्रीन तख्तियां किस रोड च मिल दियां अच्छा ऑटो स्ट्राडा नकल ते नहीं ला रहे मैं जैस्मीन जी दसनगे किस चैप्टर दा सिग्नल प्रिचेदेंजा ठीक है बहुत सोना पढ़ते हो जी मैम जैस्मीन जी तड़ी मेहनत है माशाल्लाह नजर आ रही है जी अल्लाह ताला मजीद तानू कामयाब करे अच्छा ये मैं कहना होना कि तुसी रस्ता भी बना रहे हो और लोगों का भी उन्होंने भी तुहानू वेख के थोड़ा आसान लगता है अच्छा लगता है कि हाँ यार पास हो गए ने ते मैं भी पास हो जाऊंगी ते जरूर इंशाल्लाह मेहनत कोशिश अगे वध्या रहना है डरने वाली ते गल ही कोई नहीं हुण ते स्टूडेंट्स टीचर आ गए ने आसानियां हो गई ने इंशाल्लाह और आसानियां ही पैदा करनिया ने लेडीज नू मैं खास कर कहांगा कि लाइसेंस शुरू करो देखो तुसी पढ़ियां भी हो इटालियन काफी हद तक मैच करदी है इंग्लिश दे नाल यस्मीन जी इंग्लिश तो काफी तुहानू हेल्प मिली होनी है हां जी हां जी बिल्कुल जी बहुत सारे लफ्ज इंग्लिश नाल मैच कर जी व्हीकल ही है ते इंग्लिश व्हीकल कहंदे हो तुसी हां जी इस तरह काफी लफज ने ते मुश्किल नहीं है भी आसान है थोड़ी तुहाडी एक रूटीन भी अच्छी बन जाएगी मैम हुण तुसी बिल्कुल फ्री हो गए हो पढ़ाई तो थोड़ा जा कैसा लगता है पढ़ाई वाला जमाना ठीक सी के हुण ठीक है जी सर जी वो भी ठीक सी है भी ठीक है हां ए भी हां थोड़े मतलब अच्छा जो थोड़ा पहले ऐसे के अपना पढ़ना है पेपर देना है तो थोड़ी टेंशन होती सी मतलब आजाद हो गया वेरी गुड अच्छा लेडीज नु कुछ पैगाम देना चाहो और ताड़ियां माशाल्लाह पैणा भी आईयां ने इंटरव्यू शायद ताड़े वास्ते आज काफी आईयां ने इनां नु सलाम दुआ भी करो और इनां वास्ते अस्सलाम वालेकुम जी हां अस्सलाम वालेकुम सब नु मैम कुछ लेडीज नु पैगाम देना चाहो जेडियां के डरदियां ने एक लैंग्वेज करके और दूसरा गड्डी तो डरदियां ने चलाण तो कुछ कहना चाहो इन्हां नु पैगाम दे हाँ जी डरना तो बिलकुल नहीं चाहिए है मैं खुद भी दस नहीं मेनू चाव भी नहीं आंदा है सब नु करना चाहिए बहुत ईजी है बड़ी खुशी है और माशाल्लाह इंडिया वाले भाई भैन पाकिस्तान वाले भाई भैन एक मोहब्बत दी फिजा बनी हुई है चलो अल्लाह ताला ने ड्यूटियां लाई हर इंसान दियां साड़ा ये इदारा अच्छा काम चलो करता है पे अपनी कम्युनिटी साड़ी अगे वधदी है पे दिन ब दिन एक एक दिन च चार स्टूडेंट दो तीन स्टूडेंट्स ताड़ियां मुहब्बतां बड़ियां ज्यादा ने इस इदारे च के तुसी मुख्तलिफ जगह ते बैठ के एतमाद करदे हो पे और इंशाल्लाह दिन ब दिन इदारा भी काम अपना मेहनत प्रोग्रेस अच्छी दे रहा है आज ए जितने भी स्टूडेंट बैठे ने चंद दिनों दे पास हुए ने कोई 9 तारीख पास होया कोई 7 तारीख कोई 5 तारीख कोई 9 तारीख है ना एंड 3-4 दिन च कितने ज्यादा स्टूडेंट पास हुए ते एक जेड़ा ना मैं तानू दसा कोई भी काम है मुश्किल नहीं जी होंदा मुश्किल इंसान दे दिल विच ही वो होंदा कोई भी काम है हर वो काम जेड़ा के किसी भी इंसान ने किया जायज हलाल काम अल्लाह की मदद ना आ सकती बस तुसी शुरू करो